तो फायर्स अप, इसको रख देता हूँ इस पे। इस मंदिर में बिजली गिरती है हमेशा, और काफ़ी बिजली गिरती है इस एरिया के आसपास, और हर बार वो शिवलिंग टूटता है। तो यहाँ के जो पुजारी है पूरा, गुड मॉर्निंग, वेदर इज़ बिलो फ्रीजिंग, -10 से -14 के बीच में है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का कि टेम्परेचर कितना है मेरा। तो अभी टेम्परेचर हो रहा है -14 डिग्री। इस रूम में सब कुछ अच्छा है, बट एक प्रॉब्लम है बाथरूम में। मैं जैसे नहाने गया ना, एक विंडो, इसमें शीशा नहीं है, हवा थोड़ी सी भी हवा इस टाइम जानलेवा हो रही है। धूप निकल चुकी है, अब ये सब कुछ जो वाइट हो रहा है पिघल जाएगा थोड़ी देर में। और यहाँ जम चुकी है ये ब्लैक आइस, जो कि बहुत स्लिपरी है। सुबह के बज रहे हैं 8:33। देखो गाड़ियों में ना पूरी बर्फ़ जमी हुई है। ये पेड़ कितना सुंदर लग रहा है। अभी मैं एक कैफ़े में आया हूँ, वहाँ पे ऑमलेट और कॉफ़ी ले रहा हूँ। बहुत ठंड लग रही है यार। ये रही कॉफ़ी, ऑमलेट। कॉफ़ी सच में बहुत मस्त है। वो देखो उधर में ग्लेशियर है पूरा, मस्त जंगल। बर्फ गिरती हुई कितनी अच्छी लग रही है ना, वाह। पर ये बर्फ पड़ नहीं रही है ना, ये वो बर्फ है जो मतलब सनलाइट से पिघल रही है, पिघल के नीचे आ रही है। पेड़ों से बर्फ गिर रही है। ये देखो भाई क्या लग रहा है, ठंड सच में बहुत तेज हो गई है। मेरे को आदत नहीं है इतनी ठंड की। पर एक बात पता है क्या, मैं जब तवंग गया था ना, तवंग में -2 -3 डिग्रीज ही था, पर वहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी एज़ कम्पेयर टू मनाली। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वहाँ हवा बहुत ज़्यादा चलती है, यहाँ हवा नहीं चल रही। वाह ये देखो काफ़ी नीचे है, ऐसे क्या ही खूबसूरत नज़ारा है जी। वो क्या है भाई, एक थंबनेल आ जाएगा क्या? यहाँ से अच्छा रहा है। करना पड़ता है YouTube थिंग्स, नहीं तो रीच नहीं मिलती है। ये देखो किसकी माँ की आँखें है। वाह बनाया बड़ा सुंदर है यार।
ये किसी की आईडी लिखी हुई है, वो भी कार्ड दी है ना, जिसने शायद आर्ट करी है उसकी है, बहुत लोगों ने कुछ लिख भी दिया है इस पर, बनाई जिसने भी आर्ट है बहुत प्यारी है। चलो आगे चलते हैं। ओए होए, ओए होए। आजो। ये तो कैमरा है बेटा। बाय बाय, बाय बाय, चलो जाने दो, बाय। प्यारे प्यारे कुत्ते दिख जाते हैं यहाँ पे। इसका कोट बहुत अच्छा था, काफ़ी हैवी कोट था। और ये यहाँ के स्ट्रे डॉग्स हैं। तो अभी मैं यहाँ से मनाली से जा रहा हूँ बिजली महादेव। यहाँ से कितना दूर है सर? यहाँ से है आपका 40+, ये 52 किलोमीटर है। 52 किलोमीटर है यहाँ से बिजली महादेव। यहीं ऊपर में वो पहाड़ है जहाँ से वो लेडी मर गई थी, जिसका सेफ्टी बेल्ट खुल गया था पैराग्लाइडिंग करते टाइम। डोपी एरिया है ये, मनाली से करीब 20-25 किलोमीटर आगे। हाँ ये रहा वो पहाड़ शायद, यही कहीं से पैराग्लाइडिंग हुई थी ऊपर, और शी डाइड। वो मकान है ना जहाँ लोग बैठे हुए हैं दो चार, उधर जाके गिरी थी वो लेडी। ये सारे जो पेड़ हैं पीछे की तरफ, ये एप्पल के हैं। We are almost there. सामने है टेंपल। वहाँ ऊपर सामने बिजली महादेव मंदिर है, और वहाँ पीछे की तरफ वहाँ ये पार्वती वैली है पूरी, ठीक है। वो रोहतांग पास है, वहाँ मैं लास्ट ईयर गया था, ठीक है। और मलाना जाने के लिए भी रास्ता यहीं से कटता है। इस मंदिर की एक ख़ास बात है, जब भी इस इलाके में आपदा आने वाली होती है ना कुल्लू मनाली में, तो यहाँ बिजली महादेव इसीलिए नाम है, इस मंदिर में बिजली गिरती है हमेशा, और काफ़ी बिजली गिरती है इस एरिया के आसपास, और हर बार वो शिवलिंग टूटता है। तो यहाँ के जो पुजारी है पूरे आसपास के गांव से बटर इकट्ठा करते हैं और उस शिवलिंग को बनाते हैं। अभी तो नहीं, बट पहले इस मंदिर में जो शिवलिंग था उस पर लोग कान लगा के सुनते थे ना, तो नीचे पार्वती वैली है, उधर बहने वाली नदी की आवाज़ सुनाई देती थी उस शिवलिंग से। अभी तो अलाउड नहीं है शायद। सामने भी एक बड़ा सा त्रिशूल है। ये है टेंपल, और अब मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ। ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर पर पार्वती और व्यास, पार्वती और व्यास नदी का संगम भी है। इस मंदिर पर हर 12 साल में आकाशीय बिजली गिरती है, लेकिन इसके बाद मंदिर को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ की विशाल का एक घाटी सांप के रूप में है। बताया जाता है कि हर 12 साल में भगवान इंद्र भोलेनाथ की आज्ञा लेकर बिजली गिराते हैं। बिजली के गिरने से मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है। इसके बाद मंदिर के पुजारी खंडित शिवलिंग पर मरहम के तौर पर मक्खन लगाते हैं, जिससे महादेव को दर्द से राहत मिले। इस शिवलिंग को स्थानीय लोग मक्खन महादेव कहते हैं, तो कुछ लोग इसे बिजली महादेव का शिवालय भी कहते हैं। भोलेनाथ का यह शिवलिंग कुल्लू से 18 किलोमीटर की दूरी पर मथान नामक स्थान पर स्थित है। पौराणिक कथा में बताया जाता है कि इस मंदिर में
पुल्लांत नाम का एक दैत्य रहता था। एक बार उसे सारे जीवों को मारने के लिए व्यास नदी का पानी रोक दिया था। यह देख महादेव क्रोधित हो गए। इसके बाद महादेव ने एक माया रची। भगवान शिव दैत्य के पास गए और उसे कहा कि आपकी पूंछ में आग लगी है। महादेव की बात सुनकर दैत्य ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो शिवजी ने त्रिशूल से कुलांत के सिर पर वार किया और वह वहीं गिर गया। कहा जाता है कि दैत्य का विशालकाय शरीर पहाड़ में तब्दील हो गया, जिसे आज हम कुल्लू के पहाड़ कहते हैं। जो है ना ये पुंतर का एयरपोर्ट है, मैं तो हेलीपैड वगैरह समझ रहा था, कोई कैमरे में नहीं समझ में आ रहा, बट ये बहुत दूर है। ये इस पाइन का फ्रूट, ये बहुत देर तक जलता है, बहुत देर तक नहीं, आधे एक मिनट तक तो जल जाता है, लेकिन तुरंत आग पकड़ लेता है। हमारे पास कुछ स्टिक्स है और ये है, ये इसी में पानी गर्म कर लेता हूँ मैं। लिए वैसलीन और थोड़ी सी रुई, तो फायर्स अप और इसमें पानी डाल लिया मैंने, इसको रख देता हूँ इस पे। तो ये अपना पानी हो चुका है गरम, अब इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा पानी और 3 मिनट में तैयार। भैया ऊपर जाके सिट्टू की एक दुकान भी ढूंढ ली इन्होंने वहाँ से। ये जो फ्रूट देख रहे हो ना, ये पाइन का फ्रूट है, ये हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, इसके ऊपर ऑयल चिपका है, वाइट वाइट देख रहे हो, ऑयल है पाइन का और ये बहुत जल्दी जलता है। ये चम्मच मैंने नेपाल में बनाई थी चक्कू से। Finally, ट्रैक इज ओवर, वी आर गोइंग बैक। आप लोग बस से भी आ सकते हो, कुल्लू से बस भी चलती है, मुझे नहीं पता था। ये जो सामने माउंटेन दिख रहा है, ये है हमता पास वाला माउंटेन, हमता पास वाला है। और उधर उधर एक और माउंटेन दिखेगा पीछे चमक रहा है जो सफ़ेद सफ़ेद। तो ये जो चंद्रगनी ट्रैक है, ये मनाला जाके रुकता है, वहीं से होके गुजरता है मान लो।